नमस्कार एंड वेलकम टू नीड बायोलॉजी नाउ हम देखते हैं फाइलम एने लिडा एनेलिट्स मीन्स लिटिल रिंग्स तो जो इनका अपियरेंस होगा ऐसा लगता है कि ये लिटिल लिटिल रिंग से फ्यूज होकर बने हुए हैं तो इसीलिए इनका नाम एनेलिट्स पड़ गया अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो जैसे कि कुछ आप फेमिलियर हो गए अर्थवाम हो गया ये नेरिस हो गया और ये लीच हो गया लीच लीच में जो है वो एक केमिकल पाया जाता है हिरुडिन जो कि क्या होता है एंटीकोगुलेंट जिसे हम मेडिसिनल पर्पज़ में यूज करते हैं ये एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड को क्लोट होने से बचाता है ठीक अब आइए देखते हैं इनके फीचर्स जो एनिलिट्स हैं ये कैसे होते हैं मोस्टली जो हैं ये एक्विटिक होते हैं बट फ्यू आर टेरिस्टियल आल्सो सो इसीलिए आप इनको आप रेनी सीजन में देखते होंगे मोस्टली जैसे अर्थवॉर्म हो गया नेरिस हो गया और ये फ्री लिविंग भी होते हैं और जो इनमें कुछ हैं वो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं जैसा आपने लीच को देखा लीच जो है इसको ब्लड सकर भी बोला जाता है और फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या हो गया अर्थफॉम वगैरह फिर देखते हैं इनका जो ये एनिलिट्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें जो तीनों जर्म लेयर हैं कौन कौन सी तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडम ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं तो इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है और जिनमें डिप्लोब्लास्टिक किसको बोला जाता है जिनमें सिर्फ एक्टो और एंडोडम पाई जाती है फिर इसमें सिमेट्री कैसी होती है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है एनीलिड जो है ये इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ये जो है ये ट्रू सिलोमेट है सिलोमेट आपको पता है ना कि जिनकी बॉडी कैविटी नीजोडर्मल लेयर से लाइनिंग करे उनको ट्रू सिलोमेट बोला जाता है और जिनमें मीजोडर्मल लेट हो उनको एसिलोमेट बोला जाता है तो ये जैसे ये 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 हो 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 गया ये ल्यूमन हो गया गया ल्यूमन बॉडी कैविटी की की जो आउटर आउटर है ये क्या हो गया? ये की लाइनिंग हो गई और जो इनर होगा वो कौन सी लाइनिंग होगी अफकोर्स एंडोडम की होगी और इन्हीं एक्टो और एंडोडम के बीच में जो है वो मीजो कंप्लीट मीजोडर्मल लाइनिंग होगी कंप्लीट ध्यान रखिएगा क्योंकि सीडोसिलोमेट में पाउच पाउच जैसे होती थी ठीक तो कंप्लीट मिजोडर्मल की लाइनिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे ट्रू सीलोमेट बोलेंगे और एनिलिड में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे हैं ना टीशू लेवल है कि ऑर्गन लेवल है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो एनिलिड्स में कैसे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल है और जो इनमें अभी आपको बताया ना इनका अपेयरेंस लिटिल लिटिल रिंग जैसे फ्यूज करके बनी हो तो इन जो बॉडी है इनकी ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है जैसे ये ट्यूब है तो इसमें एक सेगमेंट कंपार्टमेंट जैसे आपने ट्रेन देखा है तो ट्रेन के डिब्बे हैं ना तो ऐसा लगता है कंपार्टमेंट बने हैं तो ईच सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे ध्यान रखिएगा मेटा बोलेंगे या तो सोमाइट बोलेंगे इसको नहीं बोलना है ठीक तो एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं मेटा और सोमाइट बोलते हैं अब इनकी बॉडी लेयर देख लेते हैं बॉडी लेयर में जो है आउटर साइड क्या होगा सबसे बाहरी कवर कौन सा होगा क्यूटिकल होगा ये स्लाइमी लेयर होती है ठीक ये आउटर होगी और ध्यान रखिएगा ये काइटिन की बनी नहीं होती है ठीक फिर इसके नीचे होगा ईपीडर्मिस ईपीडरमिस जो है वो कॉलमनल इपीथीलियम का बना होता है यही से क्रिएट करता है ये क्यूटिकल आउटर लेयर और ये सिंगल लेयर होती है फिर इसके नीचे हम देखेंगे मस्कुलर लेयर पाई जाती है ये ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं उनकी बॉडी की तरफ ठीक तो ध्यान रखिएगा आउटर क्यूटिकल एपिडर्मिस और अंदर जो है वो मस्कुलर लेयर होगी इनमें भी दो टाइप की मसल्स होंगी कौन कौन सी सर्कुलर और लोंगीटूडनल जो सर्कुलर होगी वो आउटर साइड की तरफ होगी और लोंगीटूडनल मसल जो होगी वो इनर साइड की होगी ये भी जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं इनकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है जिसके कारण जैसे हो गया तो इनके मूवमेंट में हेल्प होती है फिर जो टेरेस्टियल एनिलिट्स होते हैं उनमें पैरापोडिया पाया जाता है पैरापोडिया मतलब क्या हो गया पोडिया मतलब लेग्स और अपेंडेजेस होते हैं और पैरा मतलब उनकी सराउंडिंग में तो इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा नेरिस जो आ, रेनी सीजन में आप कभी कभी आपके घर के अंदर आ जाते हैं तो अभी आप उसको कोरिलेट करोगे मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूं नेरिस का ये कुछ ऐसा होता है नेरिस इसमें आप देखोगे खूब सारे पैर जैसे बने होते हैं दोनों तरफ ये जो है ये पैरापोडिया है इनका काम क्या होता है इनमें इनका काम है लोकोमोशन प्रोवाइड करना अब यहां पे आप डायग्राम देख सकते हो ये रहा नेरिस का पहला वाला तो ये आपको साइड 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 में दिख रहा है ना तो ये पैरापोडिया है तो इनका फंक्शन क्या होगा हेल्प इन लोकोमोशन फिर देख लेते हैं एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम इनका देख लेते हैं जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट ट्यूब जैसा होगा एक ट्यूब जैसा होगा और इसमें भी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट ध्यान रखिएगा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनका मतलब कंप्लीट का मतलब कि दो ओपनिंग होंगी माउथ और एनस दोनों और इनकम्प्लीट में क्या होता है सिंगल ओपनिंग होती है तो इनमें कैसा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है और जो इनका डाइजेशन होता है वो कंप्लीटली एक्स्ट्रा होता है अब रिस्पिरेशन देख लेते हैं रिस्पिरेशन जो है इनका किसके थ्रू होता है मोइस्ट स्किन के थ्रू होता है या तो गिल्स अगर होगा जो एक्वेटिक होंगे यानी नीलिड उनमें गिल्स होगा कहां पे प्रेजेंट होगा गिल्स या तो हेड में होगा और पैरापोडिया पे होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है क्लोज टाइप होता है मतलब कि इनमें जो कैपिलरीज वेजल जैसी होंगी वो पाई जाएंगी और जो ब्लड है वो डायरेक्ट टीशू से नहीं जाके टीशू को भिगोएगा नहीं डायरेक्टली वो वेजल्स में होगा उसी के थ्रू डिफ्यूज़न हो जाएगा गैसेस का तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है और इनका जो मेनली ब्लड है वो कैसा होता है रेड होता है क्यों जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो इनमें जो है वो बेस्ड किस केमिकल के बेस पे इनका जो ब्लड का कलर है वो चेंज होता है कैसे वो आप देख लीजिए जो ब्लड कलर है इनमें हीमोक्रोरिन होगा और हीमोक्रोरिन हीमो से आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऑफ ऑफकोर्स रेड कलर प्रोवाइड करेगा तो जो हीमोक्रोरिन है वो रेड कलर उसके कारण क्या कैसा दिखेगा रेड दिखेगा ब्लड और जो क्लोरो क्लोरो क्रूरिन है उनमें दो टाइप के दिखेंगे हिमोक्लोरिन समझ गए ना रेड कलर देगा और क्लोरोक्लोरिन जो है वो ग्रीन देगा कब ग्रीन कब ग्रीन कलर दिखेगा ब्लड जब वो लेस डायल्यूटेड होगा और रेड कब दिखेगा हाई कंसंट्रेशन कंडीशन में अब एक्सक्रेटरी सिस्टम देख लेते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम किसके थ्रू होगा निफ्रीडिया नेफ्रीडिया जैसे आपको याद है ना उसमें फ्लेम सेल होता था तो इनका कैसे होगा नेफ्रीडिया इससे पहले कैसे होता था प्रोटोनेफ्रीडिया से तो इनमें एनीलिड में कैसा है नेफ्रीडिया के थ्रू होगा और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो अमोनिया किन में होगा जो एक्ट एक्टिक है उनमें अमोनिया होगा और जो टेरेस्ट्रियल है उनमें यूरिया होगा और नर्वस सिस्टम इनका देख लेते हैं इनमें क्या इनके नर्वस सिस्टम में नर्व कोड होगी और सरकम नर्व रिंग तो इनका नर्वस सिस्टम जो है ज्यादा डेवलप तो नहीं है पर फिर भी इनसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनसे तो थोड़ा बेहतर ही है और रिसेप्टर ऑर्गन इनमें कौन कौन से होते हैं टेक्टाइल ऑर्गन हो गए टेक्टाइल मतलब आप समझ रहे हो ना टच सेंस जो करता है और टेस्ट बड हो गया और स्टेटोसिस्ट हो गया स्टेटोसिस्ट का काम क्या होगा जो बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है और फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गए तो ये जो है इनके रिसेप्टरस ऑर्गन हो गए अब रिप्रोडक्शन सिस्टम इनका देख लेते हैं एनिलिट्स के मोस्टली कैसे होते हैं जो एनिलिट्स हैं ये मोस्टली मोनोसियस होते हैं मोनोसियस का मतलब क्या है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा तो ये मोस्टली कैसे हैं? एग्जाम्पल क्या है अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म जो है वो है। लेकिन जो few, few जो फ्यू फ्यू वो भी होंगे और डायोसियस का मतलब क्या होता है कि जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे मेल का मेल में होगा फीमेल का फीमेल में होगा तो ये कैसे हैं दोनों हैं मोनोसियस और डायोसियस भी होते हैं बट मोस्टली जो हैं वो मोनोसियस होते हैं और एक और इनमें किसी किसी में रीजनरेशन की पावर भी होती है कुछ स्पीसीज में रीजनरेशन की पावर काफी कॉमन होती है इनमें और हाँ ध्यान रखिएगा डेवलपमेंट जो हो गया वो कैसा होगा डायरेक्ट होगा लेकिन कुछ में इनडायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन इनका देख लेते हैं मेनली ये फोर टाइप के होते हैं मेनली ये कितने टाइप के होते हैं ये चार टाइप के होते हैं कौन कौन से हैं ओलिगोचीटा हिरुडिनिया और चीटा पॉली मीन्स मेनी और चीटा मीन्स ब्रिस्टल्स और हेयर यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो अर्थ वॉर्म के जो छोटे छोटे ब्रिस्टल्स जैसे पाए जाएंगे ठीक तो इनमें बहुत सारे हैं इसीलिए ये पोलीचिटा क्लास में आएगा तो ये मेनली कैसा होगा ये टेरेस्ट्रियल होगा और इनमें क्लाइटेलम जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे आप उसमें क्लाइटेलम देख रहे होंगे ना उभरा उभरा सा ये देखिए यहाँ पे कुकून फॉर्मेशन होता है ठीक और ये कैसे हैं मोनोसियस होते हैं मतलब कि इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही इंडिविजुअल में पाया जाएगा सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड इसका एग्जाम्पल है बहुत कॉमन है अर्थवॉम जिसका नाम क्या है फेरीटीमा. फेरीटीमा को अर्थवॉम कहते हैं और क्या है ट्यूबी फ्लेक्स ये ब्लड वाम इसको बोलते हैं ये क्या है ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है मतलब कि ये हम इसको यूज कर सकते हैं वाटर का ऑर्गेनिक पल्यूशन लेवल को मेजर करने के लिए ठीक अब आइए देखते हैं ओलिगो ओलिगो मींस फ्यू चीटा चीटा मींस हेयर्स और ब्रिस्टल्स तो आप देख रहे हैं यहां पे उसके डायग्राम में ठीक ब्रिस्टल्स और हेयर जैसे हैं लेकिन इनमें कम होंगे पॉलीचीटा से कम होंगे इसीलिए इसका नाम फ्यू हो गया मोस्टली ये मेराइन है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट कैसा होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ये कार्निवोरस होते हैं इसका एग्जाम्पल है नेरिस शायद आपने देखा भी होगा बहुत और इसमें ये देखिए ये ये पैरापोडिया है पैरापोडिया मतलब पैरा मीन्स सराउंडिंग पोडिया मीन्स लेग और अपेंडिज फिर आइए देखते हैं हिरुडिनिया इसका एग्जाम्पल है लीच हम सब जानते हैं इसमें एक केमिकल पाया जाता है कौन सा हिरुडिन ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं और इनका हैबिटेट कैसा होता है एक्वेटिक होता है तो जो इनमें हिरुडिन केमिकल पाया जाता है वो कैसा होता है एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम मेडिसिन परपज से यूज करते हैं ये ब्लड क्लॉट होने से बचाता है तो ये हो गया ये तीनों क्लास मेनली आपको ध्यान रखना है आर्की एनिलिडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आइए देख लेते हैं आर्की मीन्स ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है फर्स्ट जो फर्स्ट है जब इनका इवोल्यूशन हो रहा था तो ये सबसे पहले डेवलप हुआ था एन के फॉर्म में तो इसलिए आर के ये एक्सक्लूसिवली मराइन है कंप्लीटली मराइन वाटर में पाया जाएगा लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पोलीगोडियस डीनोफिलस और प्रोटोड्रिलस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बट तीन क्लास इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखिएगा और तीनों क्लासेस के इनके एग्जाम्पल इग्जा, आप ध्यान रखिएगा किसका एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है किसका नेरिस है किसका लीच है चलिए ओके थैंक यू और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा